बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान बचपन में काफी एक्टिव बच्चे थे। वहीं कॉलेज में वे हवल नंबर पर रहने वाले स्टूडेंट हुआ करते थे। यह बात शाहरुख तो बताते ही हैं, वहीं उनकी टीचर भी यह बात आगे आकर कहती हैं। टीचर्स डे के मौके पर शाहरुख खान की टीचर ने शाहरुख के बारे में कुछ बातें बताई। दरअसल ये टीचर शाहरुख के कॉलेज के जमाने की टीचर है। उन्होंने शाहरुख को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई है। एक वीडियो के जरिए वे बताती हैं कि मुझे याद है शाहरुख स्कूल में अपनी हॉकी स्टिक के साथ हमेशा सबसे लेट आया करते थे। वह इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट थे और मैं उन्हें स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया करती थी। आगे शाहरुख की टीचर बताती हैं, शाहरुख हंसराज कॉलेज में 19,860 नवासी के स्टूडेंट रहे हैं। वह बहुत तेज दिमाग वाले स्टूडेंट रहे। वह कॉलेज के टॉपर रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें टीवी सीरियल फौजी में भी काम करने का मौका मिला। हमें उन पर बहुत गर्व है। कॉस्मोपॉलिटन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान की स्कूल टीचर ने उन्हें एक बार पूछा कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। इसको लेकर शाहरुख ने छूटते ही कहा कि वह एक्टर बनेंगे, वह बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं। यह सुनकर टीचर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। वह शाहरुख को समझाने लगी कि यह नामुमकिन है। टीचर ने शाहरुख को समझाने की कोशिश की कि वे इस तरह का सपना देखना छोड़ दे। इसको लेकर उनकी टीचर ने शाहरुख की मम्मी को स्कूल बुलवा लिया और कहा कि आपका बेटा ऐसे सपने देख रहा है जो सच नहीं होते। तभी शाहरुख की मम्मी ने शाहरुख पर भरोसा जताते हुए कहा कि अगर मेरे बेटे ने अगर ऐसा कही है तो ऐसा जरूर होगा।